प्लान था सुबह निकलने का, लेकिन टाइम हो रहा है 9:30, अभी भी काफी बारिश हो रही है यहाँ पर। क्लाउड्स, ओनली क्लाउड्स। 11th of July हम बरेली से टनकपुर आए व्लॉग बनाने, लेकिन यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि पेड़ों के बीच में ही बादल आ चुके हैं। बारिश लगातार हो रही है, ये देखिए ठंडी वाली बारिश हो रही है ब्रो, बहुत ठंडी लग रही है। लोकेशन तो चलते हैं हम लोग शारदा की तरफ। अगर आपको बरसात का असली मजा लेना है तो टनकपुर में एक बार जरूर विजिट करें। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, पर ठंड बहुत लग रही है। टनकपुर की लोकल स्ट्रीट शारदा घाट टनकपुर। काफी टाइम के इंतजार के बाद अब फाइनली हम लोग शारदा नदी पर पहुंच चुके हैं। क्या सोच है रे तेरी? शारदा नदी पर पहुंचते पहुंचते हम लोग पूरा भीग गए। तो फाइनली एक दिन के सफर के बाद, एक रात का इंतजार करने के बाद और 6 घंटे की बारिश के बाद हम लोग एक लोकेशन पर पहुंचे। अब यह किस्मत कहे या संजोग, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का मौसम और अच्छा हो चुका है। शारदा नदी अपने उफान पर है, लोगों को वार्निंग दी गई है कि जून से आगे ना जाएं। टनकपुर की लोकल गलियों में हम घूम रहे हैं और थोड़ा आगे आके हमें एक मंदिर दिखा है। लोकेशन फिलहाल काफ़ी अच्छी लग रही है, वेदर क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है। और जो सीनिक व्यू आने वाला है मज़ा आ जाएगा आपको भी देख के, फिलहाल हमें भी मज़ा आ रहा है। ये देखिए तो चढ़ा रहे हैं, ओहो हो बड़ा लोकेशन। तो क्यों भैया, क्या लगता है कहाँ आए होंगे हम लोग? हम लोग टनकपुर आए हुए हैं और ये टनकपुर की बहुत ज्यादा चुनी लगती है। मुझे लगता है हम लोग टनकपुर में, पीछे मुझे लद्दाख वाला सीन लग रहा है पूरा। तो फाइनली इतना लंबा सफर करके जब हम लोग यहाँ पर आए, सारी थकान दूर हो गई। बादलों से ढके इन पहाड़ों ने हमारा मन इतना मोह लिया है कि हमें यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मौसम भी हमारा साथ दे रहा है व्लॉगिंग करने में, आप सभी को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। सीन देखिए यहाँ के कितने अच्छे हैं, नेचर का पूरा साथ है हमारे साथ, आगे चलते हैं। जगह सच में बहुत अच्छी है, ये देखिए। ओह माय गॉड, कहाँ से आए हो आप लोग? नीचे नदी के आ रहे हैं भाई। फाइनली हम लोग मंदिर में एंटर हो चुके हैं। राधा कृष्ण मंदिर, टनकपुर की स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं और घूमते घूमते हमें कई मंदिर मिल चुके हैं बीच में। हाँ, ये देखिए पहाड़ ऊपर है, बादल नीचे है। देखो देखो, हैशटैग लोकेशन, न्यू लोकेशन टनकपुर की। पीछे ट्रैफिक है, जो पीछे पूर्णगिरी वाला रोड है वहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि उधर पानी आ रहा है काफी तेज पहाड़ से और उधर जाने नहीं दे रहे हैं अभी लोग। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। आप अपने फोन पर आनंद ले रहे हैं टनकपुर के मौसम का, और जुलाई में ऐसा मौसम केवल उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए एपी व्लॉग्स के साथ। मेरे बाल भाग रहे हैं। कहाँ? बरेली भाग रहे हैं? बरेली? हाँ, बरेली पहुंच गई है। कोई लग रहा है लोगों को ठंड लग गई है, चलो वो तो छोड़ो। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताऊँ, यहाँ पर कोई भी और बंदा है ही नहीं, बिल्कुल शांति छाई हुई है। जैसा की मौसम होता है बिल्कुल शांत वाला वैसा। हम लोग इस टाइम वहाँ पर है जहाँ पर जनरली कोई नहीं आता है, नेपाल के बॉर्डर पर खाली प्लेस, पीछे हमारे नेपाल है। We are really enjoying the scenic beauty of Tanakpur, so keep watching this video. हम लोग काफी आगे आ चुके हैं और काफी मजा आ रहा है। घर से निकलने के बाद आज दूसरा दिन है, वहाँ से निकले थे तो वेदर अलग था, यहाँ पूरे बादल के अलावा कुछ और है ही नहीं। रात में स्टे करा था तो उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई, लगातार बारिश हो रही है और सीरियसली मजा भी काफी आ रहा है यहाँ पर। शारदा नदी घाट का ब्लॉग बनाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं उस रोड पर जहां से पूर्णगिरी की यात्रा शुरू होती है। हम लोग टनकपुर पूर्णगिरी मार्ग पर हैं, लेकिन यहां पर बाहर से आए काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सारे लोगों ने अपनी कार रोक रखी है, यहां पर वार्निंग दी गई है कि हो सकता है लैंडस्लाइड हो गई हो, जिससे पानी काफ़ी तेज आ रहा है।
और लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोगों को रोक लिया गया है। काफी दूर दूर के और अन्य शहरों के लोग भी यहाँ देखने आए हुए हैं। तो आशीष भैया, हम लोग आगे जा सकते हैं? अभी नहीं। चलो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि आगे जाएं। हम लोग के पास बाइक है तो हम लोग आगे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। वेदर क्लियर हो चुका है, रोड पर कोई भी नहीं है। दूसरी ठंडे ठंडे पहाड़, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडा ठंडा वेदर, ठंडे ठंडे हम, सब कुछ ठंडा ठंडा। शहर में सब कुछ गर्म था, यहाँ सब ठंडा। तो हमारे साथ हमारे भाई भी चल रहे हैं आज। लाइक करें और शेयर करें। भैया कह रहे हैं लाइक और शेयर जरूर करना है। हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। भाई बाल आपके बहुत उड़ रहे हैं ड्राइविंग करने पे, पहले चलते हैं मार्केट। मार्केट से क्या लाना है? कैब लेनी है, कैब आपके लिए जी, वो तो लेनी है। और उसके बाद फिर चलते हैं अपने रूम पर, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा ड्राइव कर ली है। फिलहाल आप कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, कौन सी चॉइस लगी आपको। हाँ आप लग रहे हो ब्लॉगर। कैब तो बहुत सारी, ये देखिए गाइस, रंग बिरंगी रेनबो सारी कैब। ब्लैक ही पसंद आती है अपने, लेकिन हम है ब्लैक बंदे, ब्लैक 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 ब्लैक। इसलिए चलते हैं अपने कलरफुल जर्नी पे। हाँ जर्नी कलरफुल होनी चाहिए, क्या ब्लैक होनी चाहिए, देखते हैं आगे अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी हम घूम रहे हैं टनकपुर की मार्केट में। मास्क कैसा लग रहा है? मास्क तो नहीं, क्या बहुत अच्छी लग रही है। ये हम हैं, ये टनकपुर की मार्केट है और वो मार्केट के पीछे पहाड़ देख रहे हैं। वाह क्या सीन है। फिर से मौसम हल्के क्लाउडी हो गया। अरे आंटी से चैनल तो सब्सक्राइब करवाए। आई होप ये ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग टनकपुर ब्लॉग को एंड, और आप लोग से मिलते हैं पूर्णागिरी में।